लाइव टुडे में स्वागत है, मेरे साथ है पूजा बिस्ट। पूजा जी स्वागत है लाइव टुडे में आपका। अगर बात करें किस तरह की मूवी है और आपके किरदार के बारे में अगर बात करें तो मुश्किल जो है एक प्रॉपर हिंदी कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म है जिसमें आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। इसमें रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, सुंदर लोकेशंस हैं, हॉरर है, थ्रिलर है। इसमें दोस्तों के बीच में जो नोकझोंक होती है बहुत रियलिस्टिक इसका कंटेंट है। एंड अगर आप देखेंगे कि इसमें ट्रेलर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो हॉरर सीक्वेंसेस हैं सारे के सारे बहुत नेचुरल शूट किए गए हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे फिल्म की USP है, दैट हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इंडियन कल्चर और ग्रीक कल्चर का एक मिक्सचर बनाया है एंड उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। हमारे जो डायरेक्टर है राजीव रोया, उन्होंने बहुत अच्छे से फिल्म को डायरेक्ट किया है। सो आई एम श्योर कि पीपल विल लव इट। कितना मुश्किल था आपके लिए, अगर मुश्किल की अगर बात करें? मुश्किल लाइक फिल्म शूट करना तो मुश्किल नहीं था, लेकिन जब हम लोग ग्रीस पहुँचे, हम लोग वहाँ पे पैपिंगो में शूट कर रहे थे जो एक हिल स्टेशन है, और वहाँ पे स्नोफॉल होने लग गया था। सो स्नोफॉल और रेनफॉल में शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था हम लोगों के लिए। लाइक माइनस डिग्री टेम्परेचर में हमारी जो जो को एक्टर है शफक नाज, उनको हाइपोथर्मिया हो गया था, वो बेहोश होके गिर गई थी। सो आई थिंक वेदर वॉज द बिगेस्ट मुश्किल। हम बनारस में भी हम लोगों ने शूट किया, तो बनारस में उस समय टेम्परेचर आई थिंक 47-48 डिग्री था। शायद आपके लिए मुश्किल नहीं हो गया, आप उत्तराखंड देहरादून से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी एरिया से, तो कितना कम्फर्टेबल थे आप इस चीज़ के लिए? मैं एक्चुअली जब मैं पैपिंगो पहुंची ग्रीस में, सो वो एग्जैक्टली गढ़वाल जैसा दिखता है। मतलब उसके जो घर हैं, उसके जो पूरा जो लोकेशन, आपको लगेगा आप गढ़वाल में हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम है जो वो जो घर होते हैं ऐसे पत्थर वाले, एग्जैक्ट सेम, एवरीथिंग इज सेम। तो मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि ओ माय गॉड मैं किसी बिल्कुल बहुत अलग जगह पे आई हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब इट्स वेरी सिमिलर टू द थिंग्स आई हैव सीन इन माय लाइफ। आपके साथ फिल्म में और कौन कौन है अगर बात करें, कैसी केमिस्ट्री उनके साथ? मेरे साथ जो है इस फिल्म में मेनली रजनीश दुग्गल इज़ अपोजिट मी, सो उनके साथ जो है मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने बहुत मेरी मदद की चीज़ों को समझने में। लाइक जब हम लोग सॉन्ग शूट कर रहे थे एक सिवा तेरे, इतनी ठंड थी, माइनस डिग्री टेम्परेचर था, बारिश हो रही थी, मेरे कपड़े पूरे भीग चुके थे। एंड बॉलीवुड फिल्मों में लड़कियाँ हमेशा ग्लैमरस कपड़े पहनती हैं, सो मतलब मुझे ये लगा था कि अब तो पता नहीं मैं कैसे शूट करूँगी इस हालत में। बट सबने बहुत कंफर्टेबल फील करवाया। डायरेक्टर्स जो हैं हमारे राजीव रोया, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। हमारे DOP हैं जावेद सर, उन्होंने बहुत हेल्प किया, बताया कि कैसे कौन से एंगल में कैसे एक्सप्रेशन दूँ, कैसे मतलब बहुत जगह करेक्ट किया। सो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म का बहुत अच्छा रहा है। आपकी अगर शुरुआत की अगर बात करें, एक टीवी शो से काफ़ी पॉपुलर हुआ था, उससे शुरुआत करो, यहाँ तक का यहाँ तक की कहानी क्या कहना चाहेंगे आप? कितना बदलाव है पूजा में? आई थिंक जहाँ तक मैं बदलाव की बात करूँगी तो बहुत ड्रास्टिक बदलाव है मेरे अंदर, क्योंकि मैंने अपना करियर स्प्लिट्सविला से स्टार्ट किया था, और उस वक्त मेरी कोई ऐसे इंटेंशन नहीं थी कि मुझे एक्टिंग में आना है या मुझे मॉडलिंग में आना है या मुझे स्प्लिट्सविला करना है। वो एक्चुअली इज जस्ट हैपेंड, एंड मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी कि लाइक आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, सो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। बट विद टाइम आई रियलाइज दैट आई डोंट वॉन्ट टू बी पॉपुलर, आई वॉन्ट कि लोग मुझे मेरे स्किल्स के लिए जाने, मेरे टैलेंट के लिए जाने। एंड दैट्स द रीज़न कि ऑल दिस वाइल आई हैव वर्कड ऑन माई एक्टिंग स्किल्स, मैंने खुद को ग्रूम करने में टाइम लगाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ बेटर वर्जन ऑफ मी जो पहले था। आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद एक के बाद एक आपकी पहचान बनी बॉलीवुड में? पूजा जी क्या कहना, इसके बाद एक दूसरी भी आपकी मूवी आ रही है सनी लियोनी के साथ में, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, बताना चाहेंगे आप? जैसे कि मैंने बोला कि अभी मेरा जो एम है वो ये नहीं है कि मुझे एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस बनना है, मेरा एम ये है कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें एज अ आर्टिस्ट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म मेरे लिए कितना माइलस्टोन साबित होगा या नहीं होगा, वो तो जब फिल्म रिलीज़ होगी और लोग मेरी परफॉर्मेंस लाइक करते हैं या नहीं करते हैं उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आजकल स्टारडम मिलना बहुत इजी है, आप कुछ भी करते हैं, चाहे आप लाइक जैसे एक छोटी क्लिप से लोग आजकल पॉपुलर हो जा रहे हैं, टिकटॉक से पॉपुलर हो जा रहे हैं। सो बट मेरा बहुत स्पेसिफिक है कि आई वॉन्ट टू गेट पॉपुलर फॉर माई एक्टिंग। सो मैं उस टाइप के ही रोल सेलेक्ट कर रही हूँ जहाँ पर मुझे कुछ अलग करने को मिले, जहाँ पर मैं अपना एक्टिंग स्किल दिखा सकूँ। पूजा किस तरह की लड़की है, क्या पसंद है और लाइफस्टाइल क्या है आपका, अगर पूजा से अगर हम बात करें? एक्चुअली मैं नॉर्मली एक बहुत सिंपल लड़की हूँ, मतलब बहुत सिंपल लाइफ है मेरी।
मुझे देख के ऐसा लगता है कि नहीं होगी, बट मैं बहुत ही घरेलू टाइप की लड़की हूँ. मुझे बाहर फालतू जाना पसंद नहीं है. नॉर्मली आई लाइक टू स्पेंड टाइम एट माई हाउस एंड डू द नॉर्मल थिंग्स जो सभी करते हैं. आई मतलब जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ हैंग आउट करना, नॉर्मल चीज़ें करना. सो जो नॉर्मल लाइफ में लोग करते हैं मैं वो सब करती हूँ. मैं सब कुछ खाती हूँ और मैं खुद को मतलब आई डोंट डिस्क्रिमिनेट जस्ट बिकॉज आप एक एक्टर हैं या आप एक सेलिब्रिटी हैं या आप पॉपुलर हैं. मुझे नहीं लगता कि वो आपको किसी से ज़्यादा सुपीरियर बनाता है. और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान बनूँ और दैट आई शुड लिव माई लाइफ हैप्पीली. पूजा, लाइव टुडे के दर्शकों के लिए फिटनेस मंत्र क्या है अगर आप बताना चाहेंगे? लाइव टुडे के दर्शकों को पूजा बिस्ट का फिटनेस मंत्र क्या है? मेरा जो फिटनेस मंत्र है वो ये है दैट ईट एवरीथिंग. जो भी आप खाना चाहते हैं आप सब खाइए, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कब खा रहे हैं और आप कितना खा रहे हैं. सो अगर आप कुछ, फॉर एग्जाम्पल, कई लोग होते हैं जो डाइटिंग पे होते हैं, आप डाइटिंग कर रहे हैं लेकिन उससे आपकी बॉडी जो है वो सफ़र करती है बिकॉज उसको जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस होते हैं, प्रोटीन वगैरह, वो नहीं मिलता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ खाना चाहिए पर एट द सेम टाइम आप लोगों को जिम जाना चाहिए या योगा करना चाहिए या किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज या डांसिंग आप कर सकते हैं टू स्टे हेल्दी. थैंक यू हमसे बात करने के लिए. 9 अगस्त को हम चाहेंगे कि सब आपकी मूवी को देखने पहुँचे. थैंक यू हमसे बात करने के लिए. कैमरामैन प्रमोद के साथ पवन भारद्वाज, लाइव टुडे मुंबई.